हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचयू इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी की। रिलेटिव इनकम थ्योरी यह कंजप्शन थ्योरी है जो कि सेकंड थ्योरी आई थी। फर्स्ट थ्योरी में आपको मैंने एब्सोल्यूट कंजप्शन थ्योरी करा चुका हूँ, जो कि ये थ्योरी वो थ्योरी जो है प्रोफेसर किन्स की थी। इस थ्योरी को हम रिलेटिव थ्योरी कहेंगे। उस थ्योरी से इस थ्योरी में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस थ्योरी को डिजनबरी ने फाइंड किया था और ये रिलेटिव देखता है। रिलेटिव इनकम थ्योरी है, रिलेटिव इन द सेंस कि उस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि लोगों की इनकम जो है करंट इनकम पे डिपेंड करती है कंजप्शन, और उनके मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करेगी या बेसी पर। और फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि कुजनेटस ने पजल फाइंड किया था कि लॉन्ग रन में एपीसी एमपीसी इक्वल हो जाएगी, लेकिन प्रोफेसर ड्यूजनबरी ने ये फाइंड किया कि ऐसा नहीं है कि किसी की कंजप्शन सिर्फ उसकी करंट इनकम पे डिपेंड करती है, इनकम के साथ साथ उसकी सोसाइटी का भी इम्पैक्ट होता है। तो इस थ्योरी में आपको दो चीज़ इम्पैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से सोसाइटी की वजह से कंजप्शन लोगों का बढ़ता है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि कंजप्शन इज़ द रिलेटिव अदर्स कंजप्शंस। ये कहता है कि कंजप्शन इज़ द रिलेटिव ऑफ अदर कंजप्शंस, मतलब कि आपकी जो कंजप्शन है वो दूसरे की कंजप्शन पर भी निर्भर करती है। आपके पड़ोस में अगर कोई किसी की टू फैमिली रहती है, किसी की इनकम ज़्यादा है लेकिन उसके घर में टीवी है या कुछ है, तो पड़ोसी भी उसको फॉलो करता है क्योंकि उसकी तरह अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये दिखाना चाहता है फ्रेंड कि अगर एक पड़ोसी की, एक सपोज दो परिवार हों, उनमें से किसी एक की इनकम इंक्रीज होगी और उसका कंजप्शन इंक्रीज होगा, तो यानी कि दिखाना था कि जिस लेवल पर इनकम बढ़ती है उसी लेवल में उसका कंजप्शन भी बढ़ता है। तो यानी कि जब उस लेवल में कंजप्शन बढ़ेगा, इसका मतलब एमपीसी उसकी और एपीसी उसी लेवल में बढ़ेगी। अच्छा, तो ये कहता है कि कंजप्शन बढ़ता है और इनकम बढ़ने से आदमी का कंजप्शन बढ़ता है, वो उसकी इनकम पे नहीं, साथ साथ वो अपनी पोजीशन पे डिपेंड करता है। कहता है कि डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस इन सोसाइटी कंपेयर्ड अदर्स। वो अपनी पोजीशन को देखता है सोसाइटी में और अदर के इनकम के साथ अगर उसका कंजप्शन बढ़ रहा है तो खुद भी उसको फॉलो करता है। ठीक है, फिर कहता है कि सी विल नॉट चेंज। ठीक है, पहला तो हमारा ये निकल गया कि पड़ोसी की इनकम बढ़ेगी तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा, तो उसको देख करके भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका भी कंजप्शन उसी लेवल में आप बढ़ाएंगे। दूसरा ये कहता है कि सी इज नॉट चेंज व्हेन वाइज सी इज नॉट चेंज हन ओवर टाइम वाई फॉल सी विल नॉट फॉल। कहना ये चाहता है फ्रेंड कि अगर फ्यूचर में आपकी इनकम कम हो गई तो आपका कंजप्शन कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अपने कंजप्शन को मेंटेन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड लिविंग है कम हो गया है। तो जब आपकी इनकम कम हुई है तो आप कंजप्शन कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो दिखावा डेमोटेशन इफेक्ट है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी कंजप्शन को बढ़ा रहे हैं। तो दो इफेक्ट आया, दिखावा इफेक्ट जिसे हम डेमोटेशन इफेक्ट बोलते हैं। देखो, पहली बात समझ लीजिए, वो कहता है कि कंज्यूमर्स वांट टू द मेंटेन ओल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने लिविंग को स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है, अब उसने एक इक्वेशन दिया फ्रेंड, उसने ये दिया कि आपका जो कंजप्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके पास प्रीवियस इनकम कितना है। तो ये इक्वेशन किसका है फ्रेंड, ये इक्वेशन था किन्स का कि करंट इनकम उसके एमपीसी प्लस ए। उसने एक ही चीज़ और ऐड कर दिया कि आपका कंजप्शन करंट के साथ साथ आपके पास प्रीवियस इनकम कितना है वो भी डिपेंड करता है। आपकी फैमिली में जो इनकम आ रही है, लेकिन आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स अगर कोई इनकम छोड़ के गए हैं, उससे आपका स्टैंडर्ड लिविंग हाई हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि प्रीवियस इनकम को भी काउंट किया है डिजनबरी ने। ये इक्वेशंस को आपको याद कर लेना है। अच्छा, ये कहना चाहता है अब ये फ्रेंड कि अगर आपकी कंजप्शन बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती तो आपका कंजप्शन बढ़ेगा,
तो जिस लेवल में इनकम बढ़ती है उसी लेवल में कंजप्शन बढ़ता है, तो एपीसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि इनकम के साथ बढ़ने से एपीसी बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, तो एपीसी कांस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब एपीसी भी बढ़ती है। आपको ये दिखाना है कि जिस लेवल में इनकम बढ़ी उसी लेवल में एपीसी बढ़ा, तो इसे बोलते हैं ड्यूजनबरी। क्या बोलते हैं? ड्यूजनबरी इफेक्ट। इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, दिखावा प्रभाव। क्लियर है? अब इसको मैं ग्राफ के समझाता हूँ। मान के चलो फ्रेंड, आपके ये देखो, हमने यहाँ पर वाई लिया हुआ है, यहाँ पर है आपका कंजप्शन और सेविंग है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये हमारा कंजप्शन लाइन होती ही पढ़े थे आप, ओके। मान के चलो ए है, ए ऑटोनोमस है, इसको छोड़ दीजिए। हम मानते चलो एक एक पर्सन है, एक आदमी है, उसकी वाई वन इनकम है, ठीक है। तो यानी कि एक आदमी की कंजप्शन ए है, तब एपीसी कैसे निकालेंगे? ओ ए अपॉन ओ वाई, यानी कि एक पर्सन का है, इसका एपीसी कैसा होगा? एपीसी हो जाएगा इसका ए ए वाई वन अपॉन ओ वाई वन, एपीसी निकलेगा। एपीसी कैसे निकालते हैं? इनकम अपॉन कंजप्शन, ये कंजप्शन है, चाहे आप यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, क्लियर है। एक दूसरा पर्सन है, उसका वाई टू है, उसकी इनकम, मान चलो दूसरा पर्सन है, तो वो बी पॉइंट पर कंज्यूम कर रहा है फ्रेंड्स, उसका पॉइंट बी है, ओके। तो एक आदमी बी है, दूसरा आदमी है बी पर्सन है, उसकी एपीसी बी पर्सन की देखो तो क्या है, क्या है, बी बी वाई टू अपॉन ओ वाई टू है, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। यानी कि दोनों की एपीसी अभी क्या है, इसकी इनकम की एपीसी है, इसकी इनकम की एपीसी है, दोनों के इनकम के अलग अलग एपीसी है। लेकिन ये कहता है कि अगर एक ही इनकम बढ़ गई, तो जिस लेवल में ए की इनकम बढ़ती है और उसी लेवल में अगर बी की इनकम बढ़ती है, तो ए जितना कंजप्शन बढ़ाएगा बी भी उतना ही बढ़ाएगा, क्योंकि दिखावा करना है। जैसे अब मैं मानता हूँ कि मैंने चलो ए पर्सन की इनकम बढ़ ओ वाई से बढ़ के ओ वाई टू हो गई, ए वाई से बढ़ करके ओ वाई टू हो गई, यानी कि ये यहाँ आ गया, और बी की बढ़ करके और हो गई, कितना हो गई, और हो गई, तो वाई थ्री हो गई। तो बी की बढ़ करके बी की ओ वाई टू से ओ वाई थ्री हो गई, ए की ओ वाई वन से, तो सेम रेशो में दोनों की इनकम बढ़ गई। जब सेम रेशो में दोनों की इनकम बढ़ गई, तो हम ये बताएंगे फ्रेंड कि इसका जो कंजप्शन है, देखो ये दो लाइन बन गई, ये कंजप्शन सी टू बन गया, ठीक है। तो अब देखेंगे, अब आप ए पी सी निकालिए, ए पर्सन का यहाँ पर आ गया ए बार, और बी पर्सन यहाँ आ गया बी बार, ओके। अब क्या हुआ है? ए पी सी यहाँ पर एक ही थी, अब आदमी का चेंज हो गया, इसका क्या हो गया, ए वाई ए डैश वाई टू अपॉन ओ वाई टू, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी डैश वाई थ्री, बी डैश वाई थ्री अपॉन ओ वाई थ्री, ठीक है। लेकिन दोनों का स्लोप कैसा है? एक ही है। कैसे देखिए, पहले पहले इसका स्लोप ये था, ये स्लोप क्या दिखाता है, एपीसी को, और यहाँ पर जाएगा, तो यानी कि एपीसी क्या है, उसकी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप एक ही है, ठीक है। और अगर हम बी पर्सन का दिखाते हैं, मान के चलो हम बी दिखाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी हमारी लाइन थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, ये बी पर्सन का, तो हम कह रहे हैं कि दोनों का स्लोप तो इक्वल है। और दूसरी बात कि इसका लेवल देखो और इसका लेवल देखो, जिस लेवल में ये था इसके लेवल में ए यहाँ चला गया और ये इसके लेवल में यहाँ चला गया, यानी कि जो सी का लेवल है लेवल कांस्टेंट है और यहाँ भी लेवल कांस्टेंट है। तो कहना क्या चाह रहा है, ये होता है डेमोटेशन इफेक्ट, कि कहने का मतलब है फ्रेंड कि जब इनकम जितना बढ़ी दूसरे की, तो उतना ही कंजप्शन बढ़ा और उसी रेशो में एपीसी बढ़ गई। तो यहाँ पर एपीसी दोनों की बढ़ी है, एपीसी दोनों की बढ़ी है, लेकिन सेम रेशो में बढ़ी है, जिस रेशो में आपकी इनकम बढ़ी है उसी रेशो में बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? ड्यूजनबरी कहता है ये दिखावा प्रभाव है, डेमोटेशन इफेक्ट है।
अगर मेरे घर में टीवी आ गई तो पड़ोसी के घर में टीवी आएगी, मेरे घर में कार आ गई तो पड़ोसी अपने घर में कार लाना चाहता है, चाहे जो जैसे ही लाए। तो इसे बोलते हैं दिखावा इफेक्ट, ठीक है। तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ओके। लेकिन एक दूसरी बात बताना चाहता है वो कहता है कि लेकिन अगर लोगों की वाई कम हो जाए तो कंजप्शन कम नहीं होगा, यानी कि इफ वाई फॉल सी विल नॉट फॉल, ठीक है। सेम अदर रेट, उसी रेट से, जिस रेट से इनकम बढ़ी उसी रेट से कंजप्शन एपीसी बढ़ी, लेकिन यहां जिस रेट से इनकम बढ़ेगी उस रेट से एपीसी फॉल नहीं होगी, फॉल होगी लेकिन उतना नहीं फॉल होगी जितना बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को आप सो नहीं होना देना चाहते कि आपकी हालत बहुत बेकार है, आप मेंटेन करना चाहते हैं। तो आप अपने मेंटेन करने के लिए आप खर्चा नहीं कम करना चाहते हैं, ऐसे हम आप बताते हैं। मान चलो बेटा जी, ये कंजप्शन है, लॉन्ग रन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो लॉन्ग रन हो जाता है बेटा, यहाँ से हो जाएगा तो शॉर्ट रन होता है, इसको पहले बता चुके हैं। अब मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है उसकी जो इनकम है वाई वन है, ठीक, अच्छा, तो वो इस पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है। तो ए पर्सन है, इसका कंजप्शन कितना होगा, एपीसी कितना होगा, एपीसी बराबर हो जाएगा सी वाई वन अपान ओ वाई वन, ठीक है, अच्छा। लेकिन इसका अभी क्या होगा कि मान लो उसकी इनकम कम हो गई, तो इनकम कम हो गई वाई होगी तो इसका कंजप्शन फॉल हो गया, ओके। लेकिन कंजप्शन इसका कितना फॉल होगा फ्रेंड, यहां तक नहीं आएगा, ये हो जाएगा, तो ये कंजप्शन शॉर्ट रन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सी से सी नॉट पे आ जाएगा, जबकि आना चाहिए यहां पर, ठीक है। तो यानी कि देखो अब एपीसी कितना है, एपी इसकी एपीसी एपीसी किस पर ज्यादा है, एपीसी यहां पर ज्यादा है, एपीसी यहां पर कम है, कम इनकम है ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला फ्रेंड, इसका ये निकला कि रचेट इफेक्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं रचेट इफेक्ट दिखावा, ये दिखाना चाहता है कि आप लोगों को शो नहीं होने देना चाहते, जिस रेशो में इनकम कम हुई है उससे कम रेशो में कंजप्शन कम हुआ है, कंजप्शन यहां तक कम होना चाहिए था क्योंकि ये लाइन है, लेकिन कंजप्शन कम नहीं हो रहा है, लाइन आपकी ये है, तो इसे हम शॉर्ट रन में, ठीक है। तो ये क्या दिखाया कि जितना इनकम कम होती उतने कंजप्शन कम नहीं होता, और ये दिखाता है कि जितनी इनकम बढ़ती उतना कंजप्शन उसी रेशो में बढ़ता है। तो यहां वाई एंड एपीसी सेम रेशो में बढ़ता है, लेकिन यहां वाई जितना घटता है एपीसी उतना नहीं घटता, एपीसी उससे कम घटता है। तो यहाँ पर रचेट इफेक्ट है, यहाँ पर डेमोटेशन इफेक्ट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये थी रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शंस गिवन बाय ड्यूजेनबरी, ही हैज फाइंड जस्ट टू रीजंस, डेमोटेशन रचेट इफेक्ट, डेमोटेशन इंक्रीज द कंजप्शन एंड रचेट इफेक्ट मेंटेन द कंजप्शन लेवल, ओके। सो इट इज ऑल पॉइंट्स, आई होप योर पॉइंट इज माई पॉइंट इज क्लियर। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू माई डियर।